धोखाधड़ी और अन्य धारा में आरोपित निखिल होम एसोसिएशन के दो डायरेक्टरों के विरुद्ध एसीजीएम एक पंकज कुमार ने थाना अध्यक्ष ताजगंज को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। 25 लाख से अधिक रुपए लेने के बाद भी फ्लैट नहीं दिया गया। वादी ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर यह आरोप लगाया है। धोखाधड़ी और अन्य धारा में आरोपित निखिल होम एसोसिएशन के दो डॉक्टरों के विरुद्ध मुकदमा लिखने के आदेश दिए गए हैं। एसीजीएम पंकज कुमार ने थानाध्यक्ष ताजगंज को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। नालंदा टाउन ताजगंज के रहने वाले मोहम्मद शफीक ने निखिल होम एसोसिएशन संजय प्लेस के डायरेक्टर शैलेंद्र अग्रवाल के विरुद्ध धोखाधड़ी अमानत में खयानत आपराधिक षड्यंत्र के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप लगाया है कि विपक्षियों ने ताजगंज में निर्माणाधीन फ्लैट खरीदने का आग्रह किया। वादी ने 25,15,500 रुपए का भुगतान भी कर दिया। इसके बाद वादी फ्लैट का कब्जा और रजिस्ट्री करने का आग्रह करता रहा, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर टालते रहे। बाद में वादी को पता चला कि इस तरह कई लोगों से ठगी की गई है। इसके बाद वादी ने कोर्ट में मुकदमा प्रस्तुत किया। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।